भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग तिराहे चौक बाजार व पंत पार्क में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के त्याग संघर्ष एवं बलिदान के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल आदि लोग उपस्थित थे। पहाड़ को उस समय जो तराई में बसाने का जो उनका सपना था, उस समय भी हम लोग जो यहाँ पर पूर्व से निवास करते थे वो वहाँ नहीं बस पाए, तो जिसका पछतावा आज होता है। ये पंजी की सोच का ही परिणाम है कि जो लोग वहाँ पर बसे आज उनका जीवन कितना खुशहाल है। पंजाब से आकर लोग वहाँ बसे तो अच्छी खासी उनकी आज जिम्मेदारी है, लेकिन पहाड़ की जो आज अपनी स्थिति है, जिस प्रकार से वो हमारे पहाड़ को और हिमालयी पुत्री की संज्ञा उन्हें दी जाती है, पर्वतों से उनको कितना लगाव था, किस प्रकार से पहाड़ को वो बहुपयोगी बनाना चाहते थे, आज की जो हमारी स्थिति है, हम पंजी के आदर्श पर नहीं चल पा रहे, मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान अखबार द्वारा भी हिमालय बचाओ अभियान एक दशक से चलाया जा रहा है, जो अपना चौथे स्तंभ का जो उनका अपना काम है वो जन जागरूकता, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम पेपर द्वारा किया जाता है और जो आप चैनलों द्वारा किया जाता है, उससे हम जरूर पंजी की जो भावनाएं थी, उनकी जो योजनाएं थी, उनका जो सोच का जो उत्तराखंड देवभूमि हुआ करती थी, उसे किसी न किसी तरीके से हम साकार कर पाएंगे। उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, वो एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा उनके नाम से आज हमारा उत्तराखंड में देश का सर्वोच्च संस्थान पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित है, और उनके योगदान को हम प्रेरणा की तरह लेकर के और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र का विकास उत्तरोत्तर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको पुनः धन्यवाद। बागेश्वर के द्वारा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों को बुला करके बहुत भव्य आयोजन किया गया, पंजी को याद करते हुए उनकी 135वीं वर्षगांठ की आज जन्मतिथि थी। इस विषय पे बहुत सारे वक्ताओं ने उनके विषय में जानकारी दी, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ थी जो सामान्य लोगों को नहीं पता थी, बच्चों को नहीं पता थी। बच्चों को खासतौर से उनके अनुशासन, उनके स्वतंत्रता में योगदान, उन्होंने जो भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद जो सुधार हुए भारत में, तमाम संवैधानिक सुधार हुए, पब्लिक को कितने अधिकार मिलते गए, इन सब विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, जानकारी दी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके जीवन जो है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। हम सब लोग आज उनको याद करते हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसके पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की, लॉ किया और उन्होंने अपने लॉ के क्षेत्र में जो उन्होंने शुभारंभ किया, उन्होंने अल्मोड़ा रानी के और एक संस्था से जुड़कर उन्होंने काशी
और उसके पश्चात मेरे साथ उन्होंने प्रैक्टिस की और उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में तो कोर्ट में जाते थे अंग्रेज कलेक्टर को उनका इस देश को समाना पसंद नहीं आया और वो एक ऐसे लॉयर थे कि उन्होंने सच्चाई नहीं वो केस लड़ते थे, अगर कोई मौके उनको सही जानकारी नहीं देता था तो उनका केस नहीं लड़ते थे। ऐसे ऐसे महान जो स्वतंत्र सेनानी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें आगे बढ़ना है और देश को एक नई दिशा और नई गति देने वाली भूमिका निभानी होगी। मैं सभी जनपद वासियों को गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ मैं सभी से कहना चाहूँगी कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़े और देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।